नागपुर शहर में इन दिनों त्योहार निकट आ रहे हैं। लोग बड़े पैमाने पर बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। नागपुर स्थित इतवारी का होलसेल बर्तन बाजार पूरे विदर्भ में बर्तन की आपूर्ति की जा रही है। नागपुर शहर में त्योहारों के निकट आते ही धीरे धीरे बाजारों की रौनक बढ़ने लगी है। फिर चाहे वो वर्डी का मार्केट हो या इतवारी होलसेल का मार्केट, शहर के लगभग सभी बर्तन बाजारों में भी चहल पहल काफी बढ़ गई है। यदि हम नागपुर के इतवारी स्थित होलसेल बर्तन बाजार की बात करें तो संपूर्ण विदर्भ में यहां के बर्तनों की आपूर्ति होती है। लॉकडाउन के कारण बर्तन बाजार में बैकलॉग हो गया था, मांग के अनुरूप उतनी आपूर्ति नहीं थी जितने की जरूरत थी, लेकिन इससे बर्तन के दाम में बढ़ोतरी जरूर आई थी। साथ ही साथ व्यापारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। आपको बता दें कि शहर के बर्तन बाजार में बहुत सामान दूसरे राज्यों से आता है, साथ ही भारी बर्तनों का निर्माण यहां पर किया जाता है, जिसमें विशेषकर एल्यूमिनियम के गंज, घमेला, डिब्बा आदि शामिल है। त्योहारों के लिए 5-6 महीने पहले से ही बर्तन का निर्माण शुरू हो जाता था, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण बहुत से कारीगर अपने घर लौट गए थे, जिससे बर्तनों का निर्माण नहीं हो पाया। अब दिवाली आने को है और बाजार में बर्तन की कमी महसूस हो रही है, परिणाम स्वरूप बर्तन के दाम इन दिनों काफी बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन में इंडस्ट्री बंद रहने के कारण भी बर्तनों की काफी मात्रा में शॉर्टेज बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर चीन में स्टील कॉइल चीन से ही आते थे, लेकिन लॉकडाउन और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अब माल नहीं मंगाया जा रहा है, परिणाम स्वरूप घरेलू स्टील इंडस्ट्री में कॉइल की मांग बढ़ी है। बाजार में 70% तक लेबर की वापसी हो चुकी है, लेकिन मांग के अनुसार अब भी उत्पादन नहीं किया जा सकता।